कौन से देखना, लिंक कोई पड़ जाएगा ठीक है, पर होगी नहीं वैसे। मॉर्निंग जी मॉर्निंग। अरे जो तुम्हें मैंने पीडीएफ प्रेरणा भेजी थी, एक बार भेजना मुझे वापस, नोट्स की पीडीएफ। हाँ नोट्स की पीडीएफ, क्वेश्चंस तो चाहिए ना कराने के लिए, मैं पंजाबी बागी भूला है वो सब, वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है। चलिए जी, इनफाइनाइट सीरीज क्लास फोर। इनफाइनाइट सीरीज तुमने तीनों रिकॉर्डिंग देख ली थी प्रेरणा? सर तीनों नहीं देख पाई थी सर, मैंने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का कोर्स कराया था वहां पे। फिर क्या फायदा है? और अच्छा, कर पूरा लिया नहीं कर लिया? जहां तक कराया वो कर लिया ना? यस सर। पर जो आपने रिकॉर्डिंग में भेज रखा है वो तो आप पहली क्लास में करा के देंगे सर आप? अच्छा, बीपीटी का प्रूफ नहीं कराया था, ज्योमेट्रिक का प्रूफ नहीं कराया था, है ना? वही था ना? अच्छा हो गया वो। अच्छा हाँ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आज की क्लास है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। देखो क्या बोला गया है यहां पर, पॉजिटिव टर्म्स बोला गया है, नॉन नेगेटिव नहीं बोला गया है। तो हर बात का मतलब होता है, कैजुअली मत लेना इस बात को। मतलब सारे टर्म जीरो से बड़ी होंगी, ए एन और बी एन, राइट? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। मतलब इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, ए एन बी एन में से कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ आपको, है ना? एंड एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज एल। जो लिमिट आ गई, क्या आ गई बेटा? वो एल आ गया आपके पास, ठीक है? अगर एल, इफ दिस एल इज नॉन जीरो, इफ दिस एल इज वॉट नॉन जीरो एंड फाइनाइट, अगर ये एल नॉन जीरो है और कैसा है मेरा बेटा, फाइनाइट, हाँ, देन सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन हैव द सेम बिहेवियर, हैव द सेम बिहेवियर। सेम बिहेवियर मीन्स आइदर बोथ कन्वर्जेस और बोथ डाइवर्जेस। अगर एक सीरीज कन्वर्ज करेगी दूसरी भी क्या करेगी, कन्वर्ज। एक डाइवर्ज करेगी दूसरी भी, बिकॉज दे हैव द सेम बिहेवियर, राइट? तो क्या चेक करना होगा, जो लिमिट होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और फाइनाइट, ठीक है? तो अब सीरीज एन और सीरीज बी एन का सेम बिहेवियर होगा। सेम बिहेवियर को डिफाइन कर देते हैं, है ना? इफ इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन सीरीज बी एन ऑल्सो कन्वर्जेस, है ना बेटा? इफ सीरीज ए एन डाइवर्जेस देन सीरीज बी एन ऑल्सो वॉट डाइवर्जेस, तो दे हैव द सेम बिहेवियर। तो ये कौन कह रहा है, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट कह रहा है ये बात, ये कह रहा है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। तूने भेज दिया मुझे व्हाट्सएप या क्या किया, मेल किया है? ओके बेटा, तो देखो अब क्वेश्चंस आ गए पहले मेरे पास, पहले मैं क्वेश्चंस कराता हूँ फिर प्रूफ कराता हूँ आपको। नोट्स में जैसे क्वेश्चन किए मैं वैसे नहीं कराऊंगा आपको, अलग अलग तरीके से बताऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों?
मुझे भेजा था। अच्छा जी, भेजा होगा। बताओ क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्या करूं? सर फिर से बोलना आपकी आवाज थोड़ी सी। मैं कह रहा हूं क्या करूं, उस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है? एएम वाला क्वेश्चन था ना, मुझे क्लास में पढ़ना कराया है है, क्लास में ही कराया हुआ है। उसमें एमआरटी फाइंड करना है ना। और क्या, क्लास में कराया मेरी बेटा। चलिए एग्जाम्पल वन देखिए पहले। ठीक, कहता है वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस थ्री अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है, कहता है इसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिसाइड कीजिए आप। करें, बोर्ड पे देखो पहले। तो ऐसे दे दिया, nth टर्म बनाना सिखाते हैं पहले। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सीरीज ए एन, nth टर्म बनाना सिखाते हैं आपको। एन nth टर्म क्या होगी इसमें, वेयर ए एन इज इक्वल टू वन थ्री फाइव है ना, तो टू एन। प्लस अच्छा जी, अरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से, तो प्लस वन करने से थ्री से स्टार्ट होगा। अरे ठीक है, यस सर अब पहली टर्म बताओ वन है, फिर क्या है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर क्या, ये nth टर्म आएगी बच्चों। यस सर अब कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा कि इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगेगा? क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एन कॉमन आ सकता है? अरे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अरे भाई यही तो पूछ रहा हूं कि एन आ सकता है कॉमन, नहीं आ सकता? अरे आ बोलो सकता यार, सर। आ सकता है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एन कॉमन आ सकता है? तो निकालो क्या आया, बताओ बताओ क्या आया। एन ऊपर एन हो गया नाइट, नीचे एन क्यूब होगा ना, यहाँ क्या बचेगा, टू माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, और क्या यही बच रहा है, बाहर क्या बच गया आपके पास, वन अपॉन, ओके, टू माइनस। क्या समझ में आया प्रेरणा जी ये बात? यस सर मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा पर पहले लंबे तरीके सीख लो। ओके, ये ए एन आ गया। अब बी एन, अगर मैं लिमिट एन टेंस इनफिनिटी करूं, देखो पहली बात, इधर जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगता है तो ये एक्सप्रेशन होता है लिमिट एन टेंस इनफिनिटी ए एन अपॉन बी एन, जो भी लिमिट आएगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और तो अब ये ए एन है सिर्फ, तो लेट मैं बी एन को वो ले लूंगा जो बाहर कॉमन आएगा। बी एन को वो ले लूंगा जो बाहर क्या आएगा, ये ले लिया। अब इन दोनों को लिमिट लगाओ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन अपॉन बी एन करो, बताओ क्या ये कट जाएगा बाहर वाली टर्म, क्या बचेगी अंदर आपके पास? तो आंसर आ जाएगा तो वन बाय एन, वन प्लस वन बाय एन, वन प्लस, अरे आ गया। अब लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगाया, क्या आंसर आया बताओ, विच इज नॉन जीरो एंड। क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? तो अब दोनों सीरीज का बिहेवियर कैसा होगा, सेम। अगर एक कन्वर्ज कर रही है दूसरी भी कन्वर्ज, एक डाइवर्स है दूसरी भी, तो हमने अपनी मर्जी से लेट किया था बी एन को ना, सीरीज बी एन को, तो सीरीज बी एन क्या पी सीरीज है? तो पी सीरीज है, तो पी क्या है इसमें, पी टू है, टू किससे बड़ा है, देयर फोर क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी बाय विच, पी सीरीज ना, सो देयर फोर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन भी क्या करेगी, क्योंकि दोनों का बिहेवियर कैसा होगा? ये पता, ये आंसर आप यही बता सकते थे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो। ये तो मैं डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा सब कुछ एग्जाम में, तो इसलिए स्टेप्स पूरे कर रहा था मैं आपके, वरना तो यही आंसर बता सकते थे आप। उतारी उतारी, शाबाश।
वीडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मज़ा आता है ऐसी क्लास में क्या? नहीं पर क्या क्या है दोनों में, जोश तो लाने की मैंने पूरी कोशिश करता हूँ पहली में नहीं थी वैसे समझ में तो आता हुआ वीडियो से भी, ऐसी बात तो नहीं है। पर वो क्वालिटी तो अच्छी रिकॉर्ड हो रही है ना तो उसकी है? बीसीटी मैंने बहुत अच्छे समझाई थी बेसिक, मैं थ्योरम देखूंगा समझ में आएगी नहीं आएगी, अगर थ्योरम समझ में आ गई तो इसका मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन, थोड़ी देर में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर पहले आप आराम से करना सीख लीजिए क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एग्जाम्पल नंबर टू कहता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/5 √2/7। तेरे को nth टर्म निकालना आता है चन्नीत? nth टर्म निकालना आता है पक्का? हैं? देख इधर मैं सिखाता हूं, नहीं आता। पहले बता 1, 4, 7, 10 ऐसे टर्म्स है राइट, गैप कितना है इनमें? तो 3n कर दे, 3n कर दिया। अब 3 में क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए, 3 में क्या माइनस करूं 1 आ जाए? तो दिस इज द nth टर्म। आई समझ में? देखना फिर से 4, 9, 14 एंड डैश डैश, nth गैप कितना है 5n, 5 में क्या करूं कि 4 आ जाए? समझ में आ रहा है बात? है ना, ठीक है ना बिल्कुल एकदम। अब ऐसे 3, 5, 7, 9 गैप कितने का है? तो 2n, 2 में क्या ऐड करूं कि वो 3 आ जाए? अब कभी गलती करोगे? अरे ठीक है, गैप निकालो उसको उतने टाइम्स कर दो, और पहले टर्म पे पहुंचने के लिए 3 में क्या प्लस माइनस करोगे पहुंच जाओगे। क्लियर है कि नहीं बेटा? जैसे आप बात करते हो 4, 6, 8, 9 बात करते हो, तो बताओ गैप कितना है 2n, 2 में क्या करूंगी 4 आ जाए? आ जाओ तो सीरीज an, बताओ an क्या है इस क्वेश्चन में? 1√3 √n आएगा बेटा, 5, 7, 9 वंडरफुल। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से n बाहर आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? अरे बोलिए भाई। तो ये क्या बचा? हाफ, 1/√n बचा ना। तो बताओ bn क्या लेट करूं? 1/√n, जो बाहर आ जाता है उसको bn लेट करेंगे राइट ना, तो कर दिया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn क्या आएगा? 1/2 आएगा ना। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? रूट एन यहां लिख दिया बेटा, 1/2 + 3/n की पावर √n, ऐसे कर देता हूं। चलो ये तो इससे कट गया ना बेटा, तो 1/2। क्या ये नॉन जीरो और फाइनाइट है? तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि ये नॉन जीरो और फाइनाइट है कि नहीं। अगर ये नॉन जीरो और फाइनाइट है देन दे हैव द सेम बिहेवियर बेटा, सो देयरफॉर सीरीज bn पे बात करते हैं। तो सीरीज bn में p सीरीज है 1/√n, p क्या है यहां पर 1/2 < 1, देयरफॉर डाइवर्जेस ना, डाइवर्जेस बाय विच सीरीज? p सीरीज। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करते दोनों का सेम बिहेवियर होगा, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an भी क्या करेगी? शॉर्टकट प्रेरणा, शॉर्टकट देखियो, लिख ले पहले।
अभी तुम्हारी इसके बाद भी क्लास है ना अभी तो, तो आ जाती प्रेरणा उसके बाद भी है फिर। सर वो टेस्ट आना पता है क्या, सर कैबिन में टाइम करा गया है। अच्छा 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 हो गया। अब मेरे सामने मेरे साथ बच्चों इधर बोर्ड पे, प्रेरणा जो न्यूमरेटर में एन होगा उसकी पावर को हम बोलते हैं आर, और जो डिनोमिनेटर में एन होगा उसकी पावर को बोलते हैं, और अगर एस माइनस आर वन से बड़ा है तो कन्वर्ज, एस माइनस आर वन से छोटा है तो। अब बता इस क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट इज आर हाफ, व्हाट इज एस, तो वन माइनस हाफ, तो क्या करेगा मेरे बेटा ये ये क्या करेगा? अरे बहुत इजी था ना भाई, एन की पावर देख लो कितने डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, या किसी जो भी है। तो ये शॉर्टकट बताया है सिर्फ देखते बताने के लिए कि आंसर क्या है। अरे ठीक है तो हम पिछले में बताऊं ये बात, कोई बात नहीं पिछले वाले में आर क्या ऊपर, अरे वन, एस क्या है थ्री, अरे एन इंटू एन टू एन क्यूब बनेगा ना, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो एस माइनस आर क्या है, क्या ये वन से बड़ा है, यस सर, तो सीरीज क्या करेगी नहीं समझे प्रेरणा? यस सर समझिए। हाँ, ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्ज, लेस देन वन होगा तो, और इक्वल टू वन पे भी डाइवर्ज, लेस देन इक्वल टू वन पे बेटा डाइवर्ज करेगा, ये शॉर्टकट है ना बेटा? यस सर। चलिए जी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अब, और आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री। हाँ जी समझ में आ गया बेटा, जय एग्जाम्पल, जय समझ में आ गया। सीरीज हमारी है रूट, मैं अपने आप ही टर्म दे देता हूँ आपको, ये nth टर्म खुद ही दे रहा हूँ, एन प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री क्यूब, एन प्लस टू का होल क्यूब, क्यूब माइनस वन, ये है हमारा। वैसे ओरली देख के बताओ क्या करेगी, थ्री है ये। हाँ जी भाई बताओ बच्चों क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी ना, कैसे बताओ? ऊपर ऊपर एन की पार हाफ है, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है थ्री है, तो थ्री माइनस हाफ ग्रेटर देन वन, तो कन्वर्ज करेगा ना आंसर इसका। तो अब कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, तो ए एन है रूट, देखो ये शॉर्टकट तो बहुत इजी है, पता चल जाता है देखते कि क्या कर रहा है आंसर, क्या रूट एन कॉमन आ सकता है मेरे बच्चों बाहर? आ सकता है ना, इधर इधर एन क्यूब बाहर आ जाएगा बेटा, बोलो है ना? तो ये क्या बचा, वन अपॉन थ्री की, थ्री माइनस हाफ कितना होता है, थ्री माइनस हाफ फाइव बाय टू, यही होता है ना, और ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज है राइट, ये एक्सप्रेशन एज इट इज है। बताओ बी एन क्या आएगा, बताओ बी एन आएगा वन अपॉन एन की पार, अब मैं मेरी बिटिया लिमिट करूंगा एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, तो इस पे लगाऊंगा मतलब, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन बचेगा यहाँ पर, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन बचेगा यहाँ पर, तो चेक करो क्या लिमिट वन आएगी, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, सो दे हैव द सेम बिहेवियर, तो देयरफॉर सीरीज बी एन, सीरीज बी एन इज अ पी सीरीज, कन्वर्जेस बाय विच सीरीज, क्यों रीजन दे देंगे, पी इज फाइव बाय टू विच इज ग्रेटर देन, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दे हैव द सेम बिहेवियर, तो सीरीज ए एन ऑल्सो
आंसर तो मैं पहले ही पास हो गया था। हो गया बेटो, बेटा हो गया बेटा। हाँ डन, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है ना। तो ये तो आसान एग्जाम्पल थे सारे, थोड़ा सा टेढ़ा भी आ सकता है एग्जाम्पल ऐसे। अब जैसे ये एग्जाम्पल आ गया, पहले एक दो करने को दूं या पहले सीधा करा दूं? ट्राई करते हैं। ओके तो ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 1/3 7 4 9 + 5 11। क्वेश्चन नंबर टू, 1/√2 + √3 + √3 + √4 + √4 + √5। क्वेश्चन थ्री, ये तो फटाफट बता दोगे आप उनसे सारे। √1 × 2, √2 × 3, √3 × 4, चलता जाएगा। क्वेश्चन फोर, सीरीज √(NQ+1)-3 + ≠− (-n). क्वेश्चन फाइव, सीरीज √(N^5)+1−(n), फिफ्थ रूट है ये। करिए बच्चों फटाफट। पूरा सॉल्व कर लो, एनिट टर्म निकाल के बता दो, बाकी पूरा घर पे कर लेना बाद में आराम से, अभी टाइम बचा लेते हैं बेटा। (1/(N+2)/(2)/(2)/(5) करेक्ट करेक्ट है। अब कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज, शॉर्टकट से बता दो। आर क्या, जीरो ना, ऊपर एन के पार जीरो है और नीचे एन के पार क्या आएगी, टू। तो एस माइनस आर वन से बड़ा, कन्वर्ज करेगा ना पहला, दूसरे पे आ जा मेरे बेटा। वो तो कर लेना बेटा डिटेल में, अपने घर पे कर लेना आराम से, है ना। √2 √3 √4 है, √(N+1)√(N+2) यही तो आएगा ना। तो ऊपर की पार जीरो, नीचे की पार हाफ है ना, तो हाफ माइनस जीरो हाफ है, विच इज लेस देन वन, तो क्या करेगी, डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर टू डाइवर्ज करेगा ना बेटा, नहीं क्वेश्चन नंबर थ्री, 1 2 3 n
और एन प्लस वन, तो बाहर क्या आएगा? एन, एन की पार क्या बची? वन, तो क्या करेगा? डाइवर्ज। फर्स्ट सेकंड थर्ड पता चल गया बेटा, फर्स्ट कन्वर्ज करेगा, सेकंड और थर्ड डाइवर्ज करेंगे बेटा, है ना? फोर्थ डाइवर्ज करेगा, फोर्थ में बेटा अपॉन में नहीं है ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। ये फोर्थ ए एन अपॉन बी एन की फॉर्म में नहीं है बेटा, मतलब इस तरह की फॉर्म में नहीं है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है बेटा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? क्या नहीं नहीं देखो, करो पहले कोशिश करो, फोर्थ हो नहीं पाएगा तुमसे, पर कोशिश करो पहले। तो एन अपॉन बी एन करके देखो पहले, कुछ तो करो। फोर्थ नहीं, कहां से आएगा वन अपॉन एन क्यूब, है कहां यहाँ पर? ले करो, तो जीरो तो नहीं आना चाहिए। वो चीज करने से जीरो आ रहा है, जनमित बोल रहा है, तो क्या जीरो आना चाहिए आपका आंसर? आपका नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए ना बेटा। वन आ रहा है जब क्या कर रहे हो? करो जरा करके देखो होता है क्या, मैं बताऊं वरना तो। फिर वन तो चला आ गया, फिर आगे कैसे डाइवर्ज बता, कौन सी सीरीज से डाइवर्ज? नहीं, शॉर्टकट से क्यों कर रहे हो? देखो फोर्थ सीरीज क्या है, सीरीज क्यूब रूट माइनस एन, यही है ना। इसमें से ए एन ले लिया बेटा मैंने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। यही होगा क्या, एन क्यूब कॉमन ले लूं बाहर? यही आएगा क्या, एन बाहर आ जाएगा पूरे में से? ये बचेगा, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, ठीक है? तो वन प्लस वन बाय थ्री इंटू वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री माइनस वन वन अपॉन एन क्यूब अपॉन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल।
प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में माइनस वन। मैं एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। वन प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस, ऐसे जाता जाता है बेटा। अरे ठीक है, तो क्या इस वन से ये वन कट गया? बोलो बच्चों, क्या वन अपॉन एन क्यूब बाहर ले सकता हूँ सारे में? तो अंदर क्या बचा? वन बाय थ्री माइनस वन, वन अपॉन एन क्यूब अपॉन, अरे ऐसे बचेगा ना। तो बताओ बी एन क्या लूं? कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा बताओ आप? लेट बी एन बी वन अपॉन, सो देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन अपॉन बी एन क्या आएगा बच्चों? नहीं, सीरीज कैसे आएगी? वन अपॉन थ्री बचेगा ना सिर्फ? yes, क्या बचेगा सिर्फ? विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, सो दीज टू सीरीज आर द सेम बिहेवियर, सो देयरफॉर सीरीज बी एन, कौन सी सीरीज है? पी सीरीज है क्या? कन्वर्जेस बाय विच सीरीज? पी सीरीज। क्यों? क्योंकि पी टू है और वो किससे बड़ा है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज हैव द सेम बिहेवियर, तो सीरीज ए एन भी क्या करेगी? क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? हाँ भाई बच्चों, आज सैटरडे है क्या? हो गया सीवान, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। क्या फिफ्थ भी ऐसे ही हो जाएगा? सेम ही तो है, ऐसे क्वेश्चन लिखा गलत बात है ना। अरे हो गया फिफ्थ, क्या बच्चों सेम क्वेश्चन है फोर्थ, बस फाइव है थ्री की जगह पे। अरे क्वेश्चन नहीं है, मिटा दिया? नहीं यार,
ए भगवान क्वेश्चन ही बता दिया मैंने। सीरीज 5 रूट एन टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस एन। ये फिफ्थ है बच्चों, सिक्स्थ। सेवेंथ नहीं, सेम ही तो क्वेश्चन था, कन्वर्ज ही करेगा। सिक्स वाला रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, सिक्स में रैशनलाइज करना पड़ेगा, सेवन्थ में रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने दे दिया आपको हिंट, सिक्स सेवन्थ में यू हैव टू रैशनलाइज करो। आजकल तो सियोन घर कम रहता है, अल्फा प्लस में ज्यादा रहता है। मेट्रो में आज निकल से नहीं नहीं फिर आप वो, इस बार मैंने वीक में ले नहीं पाया ना एनालिसिस क्लास, तो वीक में ले लूंगा अलग से, घर पे बैठ के लेना आराम से आप, वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ क्लास तो है ही है, क्योंकि दूसरा बैच में क्लास लूंगा इसका बारे में, पीछे बाहर बैठ के बच्चे टेस्ट देंगे, उस रूम में, इस रूम में बैठ के टेस्ट देंगे बच्चे।
देख मेरे स्टूडेंट को आईआईटी बॉम्बे में मिल गया, अभी मैसेज आया मेरा मेरे पास। मैंने उसको कहा था, मैंने क्या मैसेज बोला था, सर आई एम प्लस आई प्रिपेयर्ड बाय वॉचिंग योर वीडियोज, आई हैव क्वालिफाइड एट जैम एग्ज़ाम, विच आईआईटी इज़ बेटर सर, आई एम कैटेगरी स्टूडेंट 300+ रैंक। तो मैंने बोला था इसको, तो भाई तुम्हारा तो हो गया, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा अप्लाइड के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है 100% मिल जाएगा तुम्हें आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। देखो मैंने नंबर उसको वन कहा आई टी पूरी बॉम्बे मिल तैयारी जाएगा, तुम्हें मिल गया आईआईटी इसको। बॉम्बे मिलेगा, नंबर टू आईआईटी कानपुर मिलेगा लेकिन वो प्योर है बेटा, आईआईटी कानपुर में प्योर है, और आईआईटी गुवाहाटी में जो है बेटा, आईआईटी गुवाहाटी में डेटा साइंस एंड वो है कुछ, मैं बताता हूँ आपको, आईआईटी गुवाहाटी में एमएससी पीएचडी डुअल है बेटा, वहाँ पर वो भी मिल सकता है, वो भी बहुत अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ऐसा कुछ है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। तो हाँ, एग्जैक्ट रैंक पिछली बार 350 वाले एससी स्टूडेंट का बॉम्बे में आ गया था, तो एसटी में तो 300 रैंक पे आ जाएगा आराम से आईआईटी बॉम्बे। आ गया आईटी बॉम्बे बंदे का, बताओ क्या किस्मत है। सर डन हो गया, बहुत बढ़िया, खुश तो बहुत हो गए तुम। सर सिक्स में लिख का आंसर हाफ आया क्या?
आ गया तेरा, क्या आ गया? सबको यही आ रहा है सबको यही आ रहा है, कब किसको मिल रहा है एग्जाम्पल? मैंने सबसे पहले प्रेरणा को भेजा था मैंने देखा पहले भी मेरे पास तो आईफोन आ गया, तो मैंने आगे खोला ही नहीं। तो बताओ कॉस 1/n ये कैसे करें? कोई नहीं, मिल जाएगा तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पांच से ज्यादा तो जाते नहीं एक बार में कभी नहीं होता। बताओ भाई प्रेरणा जी, यस सर, मिल गया एप्पल का आईफोन? अरे एनसीसी सियोन, यस सर, ये एनसीसी होगा कि नहीं होगा बताओ? याद है एनसीसी थ्योरम? यस सर। तो उससे क्या करेगी सीरीज, चेक करके देख लो। और ये वाली ऑफ कोर्स लिमिट इंटेंसिटी में डाल, सियोन तो छोड़ दे, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में बढ़ा लियो। फिफ्टी सिक्स परसेंट हो गया, तो अब इस पे ये वाला एग्जाम्पल देखो। ये पहले दो तो किससे हो गए, एनसीसी से। अब ये बेटा देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है। देखो ए एन आपका क्या है, 1/n² है ना बेटा, तो बी एन लेट करो जो बाहर कॉमन है। क्या लेट करोगे बी एन को बताओ? 1/n² और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन अपॉन बी एन लगाओ, जरा क्या आ रहा है? 1, cos 0 1 होता ना। तो क्या इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है बेटा, विच इज 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट आ रहा है ना बेटा? तो बताओ सीरीज बी एन का बिहेवियर क्या होगा? तो इसका मतलब सीरीज एन भी क्या करेगी? हाँ, अब फिर दोबारा देखो जरा, अगर यहाँ पर रूट एन और कॉस 1/n² कर देता तो क्या होता तब? ऑफ कोर्स, क्योंकि बी एन कैलकुलेट करोगे इसमें अब। हाँ अरे तुम्हें तो आ गया सब। समझ में आ गया नहीं बोला? अरे सोन देख ले भाई, हो गया तेरा 100%। क्या मिला तेरे को? तो ये आ गया उसके बाद, जैसे मैंने फिनिश करवाया तो 1+ Note तो मिल रहा है। नहीं क्लीनर अपडेट फॉर 1+ Note, अभी इसमें वायरस आता है। हो गया ये? यस सर। और
और ये बेटा ये वाला एग्जांपल सीरीज 1 अपॉन n साइन 1 बाय n. अब बेटा हाँ जी ए एन क्या है आपका 1 अपॉन n साइन 1 बाय n है ना बेटा, तो बी एन क्या लेट करोगे बताओ, बी एन लेट करोगे 1 अपॉन n स्क्वायर. बोला भला क्यों सर ऐसा, बी एन कैसे पता चला आपको सर, क्योंकि तो 1 अपॉन n स्क्वायर किया तो 1 अपॉन n टू 1 अपॉन n है ना, तो साइन 1 अपॉन n 1 अपॉन n क्या हो जाएगा ये विच इज नॉन जीरो एंड, तो लेकिन बी एन बताओ कैसा है, समझ में आया कि नहीं, कन्वर्जेस बाय पी सीरीज. अगर बी एन कन्वर्ज कर रहा है पी सीरीज से तो ए एन भी क्या करेगा, बिकॉज दे हैव द सेम बिहेवियर बेटा. नहीं समझ में आई बात, देखो बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने बचपन में, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1 बाय एन अपॉन 1 बाय एन इज 1. अगर ये नहीं पढ़ा था तो ये पढ़ा होगा, बताता हूं अभी कौन सा आपने, ये तो ये पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1. तो बात एक ही तो है, देखो जरा एक बार आपने ये पढ़ा हुआ बेटा, है ना रीना जी, समझ में आ गया आपको पक्का? Yes, sir. तो ऐसी एग्जांपल ये आ जाए मेरी बेटिया, 1 अपॉन रूट एन टेन 1 बाय एन, ऐसी एग्जांपल आ जाए बेटा 1 अपॉन एन स्क्वायर साइन 1 बाय एन, ये सब कर सकते हैं ना हम लोग क्वेश्चन, नहीं तो यहां पर बी एन क्या लेट करोगे इस वाले में बताओ, 1 बाय एन. Yes. और यहां क्या लेट करोगे, 1 अपॉन एन टू द पावर 3 बाय 2. क्लियर है, प्रूफ करते हैं अब. चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा, बिल्कुल ढंग से एकदम क्लियर. कोई जल्दीबाजी तो नहीं की मैंने, उतार ले भाई सियोन, हो गया तेरा, मिल गया गिफ्ट. मैंने चीटिंग की, मेरे पास तो पता चल गया था मुझे तो, जब मैंने देखा ना इतना 5 शेयर किया और 25% बढ़ गया, मैंने कहा ये वही वाला गेम पहले भी आया हुआ है. अच्छा वो लिख रहे हैं.
हेलो इस चीज का अच्छा आ गया। वन नाइन फाइव थ्री एट सिक्स 195386 386 हो गया यहाँ तक भाई बच्चों कर लिया सबने yes, sir. प्रूफ करा दो थ्योरम का देखो फटाफट बहुत इजी सा प्रूफ है इसका प्रूफ देखो प्रूफ ओके प्रूफ क्या कहता है एज ए एन इज ग्रेटर देन जीरो यस और नॉट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ना बेटा सो ऑल्सो लिमिट अच्छा ऑल्सो ए एन अपॉन बी एन भी किससे बड़ा होगा बेटा जीरो से है ना एंड लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज एल तो बाय साइन लेमा कहता है अगर सीक्वेंस जीरो से बड़ा है तो उसकी लिमिट जीरो से बड़ी और जीरो भी हो सकती है कि नहीं बताओ साइन लेमा से सो इट्स लिमिट एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट बट हमारे क्वेश्चन में एल तो क्या है अरे बोलो बच्चों हाँ तो इसका मतलब देयर फॉर एल किससे बड़ा हो गया सो वी चूज एप्सिलॉन सच दैट कि एल में से अगर एप्सिलॉन माइनस करोगे तो भी किससे बड़ा होगा क्योंकि एल जीरो से बड़ा है ना उसमें से कोई स्मॉलेस्ट पॉसिबल भी माइनस करोगे तो भी किससे बड़ा रहेगा वो वी चूज एप्सिलॉन नाउ राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट कि ए एन अपॉन बी एन इज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट क्या ये डेफिनेशन मेरे सभी बच्चों को पता है yes, sir. अब हो गया प्रूफ प्रूफ देखो कैसे मक्खन आया एकदम से कौन सा वाला पार्ट लो पहले ये वाला पार्ट ले लू पहले है ना आई कॉल इट एज फर्स्ट तो फर्स्ट पार्ट यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे तो क्या ए एन छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन टाइम्स बी एन से यस और नॉट श्योर इधर बोर्ड पे तो प्रेरणा इसकी शक्ल किससे मिल रही है बेसिक कंपेरिजन टेस्ट से मिल रही है तो के क्या हो गया यहां पर तो बाय बी सी टी मेरे बेटा अगर सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी तो सीरीज ए एन भी क्या करेगी मेरे बेटा और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर ए एन डाइवर्ज करेगी मेरी बेटिया तो सीरीज बी एन भी क्या करेगी क्या फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया दूसरा रुक जाओ अभी डट जाओ सेकेंड पार्ट इसको सेकेंड ले लेता हूं मेरे बेटा सेकेंड ठीक सेकेंड पार्ट यहां बता रहा हूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं बी एन इज लेस देन वन अपॉन एल माइनस एप्सिलॉन ए एन क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ और बताओ एल माइनस एप्सिलॉन किससे बड़ा है तो एल तो जीरो से बड़ा था ही तो उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो तो जीरो से बड़ा होगा ही उसको तो बताने की जरूरत नहीं है बताने की जरूरत किसकी थी तो एल माइनस एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है तो वन अपॉन एल माइनस एप्सिलॉन भी जीरो से बड़ा होगा बोलो प्रेरणा जी यस सर तो एल प्लस माइनस एप्सिलॉन किससे बड़ा है बेटा तो बाय बीसीटी क्या करूं बताओ इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन सीरीज बी एन कन्वर्जेस
or if series bn divergence then series an तो आप वन और टू को चेक करो इसको, अगर बी एन कन्वर्ज तो ए एन कन्वर्ज तो मीन्स दे हैव द सेम बिहेवियर, ए एन डाइवर्ज तो और बी एन डाइवर्ज तो यस। सो इसको ए मान लेता हूं मेरी बिटिया और इसको बी मान लेता हूं, फ्रॉम ए एंड बी व्हाट डू वी से, हाँ फ्रॉम ए एंड बी कैन वी से दे हैव द सेम बिहेवियर। क्या प्रूफ बहुत आसान था बेटा, एल जीरो से बड़ा है तो एल प्लस एप्सिलॉन तो जीरो से बड़ा होगा ही, इसमें तो शक की बात है ही नहीं, करेक्ट है ना। आई होप द प्रूफ इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स था तो ए एन भी जीरो से बड़ा, बी एन भी रेशो भी जीरो से बड़ा, ओके कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो भाई साइन लेमा अगर एन अपॉन बी एन जीरो से बड़ा है तो उसकी लिमिट भी किससे बड़ी बराबर होगी, अरे जीरो से ना, और लिमिट जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब लिमिट किससे बड़ी है, तो वी चूज एप्सिलॉन सच दैट कि एल माइनस एप्सिलॉन भी किससे बड़ा है, और प्लस की तो बात है ही, अपने हो गया काम अपना, करेक्ट है बेटा। सो दिस इज हाउ वी हैव डन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कंप्लीट विद प्रूफ विद एग्जांपल्स एंड विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एज वेल। तो अब हमारे को नेक्स्ट क्लास में दो टेस्ट करने हैं, कल की क्लास में एक तो कॉचीज एन एथ रूट टेस्ट करेंगे हम और एक रेशो टेस्ट करेंगे, कॉचीज एन एथ रूट टेस्ट एंड द रेशो टेस्ट, कल दोनों का प्रूफ विद एग्जाम्पल्स हम कंप्लीट कर लेंगे, सेम सुबह 9 बजे रखेंगे। तो कल सुबह फिर जुड़िएगा बेटा 9 बजे, अब यही टाइम मैंने आपके लिए रख दिया, लास्ट में थक जाता हूँ मैं, तो सबसे पहला टाइम तुम्हारा ही हो गया, तो एटलीस्ट इससे आपका कवर हो जाएगा फटाफट। किसकी बेटा, डी की नहीं, कल है बेटा मंडे को, वो मैडम शादी से आई है अभी रास्ते में, बोली सर मैं आई हूँ अभी, तो प्लीज आप मंडे से रख दो, मैं चलो ठीक है, उन्होंने 8 बोला था वैसे मुझे, करा देंगे वो बहुत आसानी से करा देंगे। अच्छी फैकल्टी जो है ना वो सोचते हैं कि बस हमें तो 100 बच्चों का बैच ही चाहिए, हमने पढ़ाएंगे 5-10 बच्चे, उनको नहीं पता 5-10 से बढ़ते हैं भाई, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है ये बच्चों।
लिए समाप्त हो जाए।